left, right, left, right, left, right, left, right, halt! About turn! Quick! Mud! Left, right, about turn! Double mud! Left, right, left, right, left, right, left, right. कदम से कदम मिलाकर चलो केवल ये मत भूलो कि तुम एक आर्मी ऑफिसर के बेटे हो। डिसिप्लिन तोड़ने वाले को सिविल में माफ किया जाता है, आर्मी में नहीं। शेम, जाओ जाकर स्कूल की तैयारी करो। कम ऑन हरी अप। अच्छा हुआ पापा ने हॉल्ट कर दिया, वरना आज अपनी लाइफ बन गई होती। कम बैक माय सन, कम बैक। भगवान उम्र लंबी करे। फौज में भर्ती होकर या तो जल्दी मरेगा नहीं तो जनरल बनेगा। अरे 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 अरे, छी 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 छी। दूध का गिलास पकड़ते हुए तुम्हारे हाथ कांपते हैं। फौज में भर्ती होकर बंदूक कैसे पकड़ो? सर, केवल को तो सख्त बुखार है। अरे हाँ, तुम इसे अंदर बिस्तर पर लेटा दो और भाग कर डॉक्टर कपूर को बुला लो। आओ बेटा, सांस लो बेटा। जॉन जी, डॉक्टर साहब, ये शीशी लो, एक एक गोली तीन तीन घंटे के बाद देते रहना। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे बेटा। क्यों डॉक्टर? आओ डॉक्टर। यस, समझ में नहीं आता ये अचानक केवल को क्या हो जाता है। सुबह तक ठीक था, अब देखो। यही बात तो मैं तुमसे पूछने वाला था। लड़का बहुत डरा हुआ मालूम होता है, कहीं तुमने उसे डांटा तो नहीं था? डांटा? जरूर डांटा था। सुबह परेड में अरुण के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सका, इसलिए डांटना ही पड़ा। कितने शर्म की बात है कि मेजर का बेटा और परेड ना कर सके। ये तो ठीक है मेजर, लेकिन आइंदा इस बात का ख्याल रखना, तुम्हारी कितनी ही मजबूरी क्यों ना हो, केवल को कभी नहीं डांटना। अरुण की बात और है, जरूरत पड़ने पर तुम उसे डांट सकते हो, फटकार सकते हो, वो सह सकता है क्योंकि वो दिल का मजबूत है, लेकिन केवल जन्म से ही दिल का कमजोर है, बुज़दिल है, वो नहीं सह सकेगा। उसके साथ हमेशा प्यार और मोहब्बत से पेश आना, और खास तौर से अरुण के सामने, समझे? वरना हो सकता है कि एक दिन वो अपना मेंटल इक्विलिब्रियम खो बैठे और दिमागी कमजोरी की वजह से हमेशा हमेशा के लिए नाकारा हो जाए। अरे पापा, डर नहीं। पापा, अरे केवल, ये तो नकली नंबर का। अरे देख, 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 ये तो नकली नंबर का। देख पापा, देखिए, देखिए सांप। खुश है पापा, ये तो नकली सांप से डर गया। मैं तो इसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। चुप, गेट आउट। देखता नहीं तेरे भाई को बुखार और तुझे ऐसे खेल सूझ रहे हैं। कम ऑन, गेट आउट। आई से गेट आउट। माँ, आज केवल के लिए पापा ने मुझे मारा। माँ, शेर बाबा क्या सोचता है? आजकल पापा से अपनी गड़बड़ चल रही है। समझ में नहीं आता पापा को कैसे खुश करूं, उनकी लाइफ कैसे बनाऊं। बंदूक चाचा, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? पैसा? अरे पैसा किधर को है? बात यह है बंदूक चाचा, दो दिन बाद पापा का बर्थडे है और मैं उन्हें खुश करने के लिए एक फर्स्ट क्लास बर्थडे प्रेजेंट देना चाहता हूँ। लगता है जिस चिक्की वाले की सारी चिक्की खत्म करके छोड़ेगा तू। भिखारी का बेटा नहीं, मालदार ठाकुर का बेटा हूँ। देख मेरे पास कितने पैसे हैं। मान गया घनश्याम ठाकुर। देख सुन, ये रुपए मुझे उधार दे दे, मैं तुझे वापस लौटा दूंगा। उधार दे दूं? क्या तेरे लंगड़े बाप का माल है? ठाकुर के बच्चे, बाप तक जाने की कोशिश न कर वरना अच्छा नहीं होगा। अबे हट, एक बार नहीं हजार बार तेरे बाप पर जाऊंगा। देखा मेरे बाप तक जाने का मजा? बोल बोल साले बोल। सुन ठाकुर के बच्चे, ये पैसे उधार ही रहे, वापस मिल जाएंगे, समझे? जब तक मेरी लाइफ नहीं बनती मैं सब
आपकी लाइफ इसी तरह बनाता रहूंगा। ये क्या? पापा आपका बर्थडे प्रेजेंट। आपको याद है पापा, एक बार आप एक जंगल में फंस गए थे और एक भेड़िये ने आपको घेर लिया था। तब आपने एक फौजी चाकू से अपनी जान बचाई थी और उस भेड़िये को मार दिया था। और उस चाकू के खो जाने का मुझे आज तक बहुत अफसोस है। हाँ पापा, तो ये लीजिए आपका चाकू। थैंक यू माय सन्स, इन दोनों को मेरा कितना ख्याल है। अरे लेकिन ये चाकू तो बहुत कीमती है, तूने कहाँ से लिया? पापा, अरुण ने घनश्याम को स्कूल में खूब पीटा और उसके पैसे छीन लिए और उन्हीं पैसों से ही आपके लिए चाकू लेकर आया है। व्हाट, तूने पैसे छीने? बदतमीज, अगर मुझे चाकू प्रेजेंट करना था तो पैसे मुझसे क्यों नहीं ले गया? पापा, मैं आपको ये प्रेजेंट अचानक देकर आपको खुश करना चाहता था। पापा, हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ? पापा, अरुण ने मुझको मारा है। अरुण ने? क्यों? मैंने आपके पास उसकी शिकायत की थी ना, इसलिए। आने दो उस बदतमीज को, उसकी हड्डी पसली तोड़कर रख दूंगा। लेकिन तू मार खाकर चला आया, तूने उसे क्यों नहीं मारा? मैं उसे नहीं मार सकता, मैं उससे कमजोर हूँ। हट, आज के बाद तू कमजोर नहीं रहेगा। मैं तेरे को इतना स्ट्रांग बना दूंगा कि तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। हर शेम ऑन यू, ये आंसू सिविल साइड में होते हैं, आर्मी में नहीं। बाइट देम, कट, बी ब्रेव। जब तक गली हंसे ना तब तक बने ना फूल। हंसते चेहरे के सब साथी, रोने को साथ न कोई। हंसने वाला बने सितारा, रोए तो पांव की धूल। जिंदगी जिंदा दिल का ना है, जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, जिंदगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस साल की बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए जो साहब रेड कॉर्नर में खड़े हैं उनका नाम है केवल शर्मा, और जो साहब इस रिंग के ब्लू कॉर्नर में खड़े हैं उनका नाम है ठाकुर घनश्याम। जो दो नौजवान आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके बाप भी चंद दिनों के बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं। साइलेंस, वो लड़ाई बॉक्सिंग की नहीं, वो लड़ाई है इलेक्शन की। लगड़े को भी पछाड़ूंगा ढक्कन खोल के। सो लेट्स गिव देम अ बिग हैंड। Ah!
चैंपियनशिप की ट्रॉफी फिर घनश्याम को दी जाती है। इससे पहले कि आप चैंपियनशिप की ट्रॉफी घनश्याम को दें, मैं इसे चैलेंज करता हूं। हुर्रे! बिल्ला हारा तो बागड़ बिल्ला आ गया ढक्कन खोल के। बापू, इसे तो मैं पानी भी मांग नहीं दूंगा। अरुण जी, इधर आओ। जी, तुझे बॉक्सिंग नहीं आती, क्यों खामखा इन लोगों के सामने मेरी इज्जत और खराब करता है? पापा, मैं आपकी इज्जत खराब नहीं करूंगा। मुझे मालूम है तू पिट जाएगा, मेरे माथे का कलंक और गहरा हो जाएगा। मैं आपके माथे का कलंक धो दूंगा पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। मारो! बका, बका बोल पे बोल खेल रही है ढक्कन खोल के। मुबारक हो मेजर, अरुण ट्रॉफी जीत लाया। केवल हार गया तो क्या हुआ? ये की बात है यार। अरे जो प्यार में वो वादा निभा दूंगा, ओ मेरी जान बाई गॉड मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, ओ मेरी जान बाई गॉड मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। वादा किया जो प्यार में वो वादा निभा दूंगा, मेरी जान बाई गॉड मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, ओ मेरी जान बाई गॉड मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। छीन के सागर की लहरें झांझर तेरी बनवाऊंगा, मैं छीन के सागर की लहरें झांझर
तेरी बनवाऊंगा, किरणों में पिरो कर तारों को एक हार तुझे पहनाऊंगा, इन काली घटाओं का काजल नैनों में तेरे मैं लगा दूंगा। ओ मेरी जान बाई गॉड, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। ओ मेरी जान बाई गॉड, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। जुल्फ की तरह संवारूं, तुझे मांग की तरह निखारूं, तुझे जुल्फ की तरह संवारूं, तुझे मांग की तरह निखारूं, तेरे हुस्न को आंख के शीशे में तस्वीर की तरह उतारूं। एक जन्म तो कोई बात नहीं, हर जन्म में जन्म लुटा दूंगा। ओ मेरी जान बाई गॉड, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। ओ मेरी जान बाई गॉड, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। इन मस्त गुलाबी होठों पे मैं अपने गीत लहरा दूंगा, इन मस्त गुलाबी होठों पे मैं अपने गीत लहरा दूंगा। थक जाएगी तू चुन चुन के, इतनी खुशियाँ बरसा दूंगा। मेरे दर्द की आँख लगे ना लगे, पर तेरे ख्वाब सजा दूंगा। ओ मेरी जान बाई गॉड, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। ओ मेरी जान बाई गॉड, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। अरे ये ट्रॉफी यहां कैसे? केवल अरे ये सर लटका है क्या आ रहा है? चिनप चिनप, ये देख कमाल हो गया है। एनडीए में तुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। इंटरव्यू में कामयाब होते ही तू लेफ्टिनेंट बनेगा, कैप्टन बनेगा, मेजर बनेगा, कर्नल बनेगा। इसके ऊपर और क्या क्या बनेगा इसका नारा मैं ही लगा सकता हूँ। हमारा केवल बाबा ऑफिसर बनेगा, मैं सारे मोहल्ले को मिठाई खिलाता हूँ। डबल मार्क, यानी ये आपसे भी एक दर्जा ऊपर? अरे ये एक दर्जा क्या, मुझसे ये 10 दर्जा ऊंचा बनेगा। अच्छा, तो इसका मतलब आपके घर में बेटा नहीं बाप पैदा हुआ है। हट हट हट, मिठाई आ गई। अरे मेरे शेर बाबा आ गया। बंदूक चाचा, देखा एक और दो मिठाई खाओ खाओ खाओ। अरे पहले तुम्हारी लाइफ तो बना दो चाचा, तुम खाओ तुम खाओ। अरुण क्या सर? कम हियर, कम हियर। तू सारी दुनिया की लाइफ बनाता फिरता है, अपनी लाइफ कब बनाएगा? केवल को देख, आर्मी से बुलावा आया, ऑफिसर बनेगा। तुम भी कभी कुछ बनने की सोचोगे या बिगड़ने को ही अपनी शान समझते रहोगे? यस जी हाँ बाबा।
बापू मैं शहर में रहूंगा ना तो म्युनिसिपल प्रधान का बेटा बनकर, एक उजड़े पुजड़े कंगाल का बेटा बनकर हरगिज नहीं रहूंगा। ढक्कन खोल के मैं कहां चाहता हूं कि तू कंगाल का बेटा बना रहे, पर मैं करूं क्या? करूं क्या? सारी जमीन जायदाद उस लंगड़े मेजर को बेचकर शराब जुआ और अय्याशी पर निछावर कर बैठे हो। अब करने को सिर्फ एक ही बात रह गई है बापू, इलेक्शन के जलसों में अपनी खानदानी और रईसी की याद दिलाकर लोगों से वोट मांगो। तुम इतना करो बापू, जमानत से इलेक्शन तक जो भी खर्चा होगा ना वो मैं करूंगा। बोलो तैयार हो? मिलाओ हाथ। राजू चलो बेटा तुम्हारा दूध आ गया। राजू राजू बेटा राजू, अरे कहाँ चला गया राजू? क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ है राजू? मैं उसे यहीं छोड़ गई थी। राजू 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 हेलो हेलो कौन? आपका बच्चा खो गया। हाँ हाँ, क्या आपको पता है वो? राजू 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 आपने, अगर बच्चा चाहिए शाम 6 बजने से पहले 50,000 रुपया लेकर पुराने किले में पहुंच जाओ। लेकिन मेरे पास इस वक्त इतना रुपया नहीं है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, सिर्फ 6 बजे तक इंतजार करूंगा। अगर पुलिस को इत्तला की तो सिर्फ मेरा एक गोली का नुकसान होगा और तुम्हारा। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, हेलो हेलो। कौन था? क्या कहा उसने? बोलिए ना, क्या कहा उसने? 50,000 रुपए मांगे और वो भी शाम के 6 बजे तक। लगता है तेरे माँ बाप को तेरी जरूरत नहीं। जितना तुमने कहा था उतना ही है। अब बैग जमीन पे रख दो। हाँ। हट आप पीछे चलो जल्दी। अब घूम जाओ और जब तक मैं नोटों की जांच पड़ताल ना कर लूं चलते रहो। चलो। हाँ। राजू 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 मेरा बेटा राजू। बापू संभालो ये रुपया और फौरन जमानत की रकम खजाने में जमा कराओ और बाकी ढेर सा रुपया बचेगा उससे दिल खोल कर इलेक्शन लड़ो और जीत के भी दिखाओ। अगर मैं म्युनिसिपल प्रधान का बेटा नहीं कहला सका ना बापू, तो याद रखना तुम भी तंदुरुस्त नजर नहीं आओगे। लेकिन इतना सारा रुपया लाया कहां से ढक्कन खोल के? जहां से भी लाया हूं ढक्कन खोल के। तुम इलेक्शन लड़ो, न सवाल पूछो ना झूठे जवाब सुनो, रुपया उठाओ और चालू हो जाओ। वरना लंगड़ुद्दीन जीत गया ना बापू तो हमें कोई कौड़ियों के मोल नहीं पूछेगा इस शहर में। अरे केवल, तुम इंटरव्यू खत्म होते ही फौरन लौट आना, पापा की जीत की खुशी अपन मिलकर मनाएंगे। चल चलो ठाकुर, उस तरफ क्या देख रहे हो? अरे चाली तो देख रहा हूँ मेजर के इन दो पिल्लों की,
बाप म्युनिसिपैलिटी का प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब देख रहा है और बेटा इसी खुशी में कूली खाते में भर्ती हो गया है। अरे भाई प्रैक्टिस कर रहा है, जब बाप हार जाएगा उसे भी इस तरह उसको उठा कर ले जाएगा। अरे कोई बिस्तर पेटी थोड़े ही है, उसे तो मुर्दा गाड़ी में घर ले जाना पड़ेगा। अरे जरा लंगड़े की औलाद, ये ले 10 रुपए, अपने बाप को मुर्दा गाड़ी में घर ले जाने का किराया ले, संभाल इसे। झगड़ा मत करो इनसे अरुण, क्या अरुण, अरुण 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 मेरी बस जाने दे, मेरी बस निकल जाएगी। जा जल्दी जाके पहुंच, आर्मी वाला तो तेरा इंतजार कर रहे कि कब तू आए और जंग शुरू करे। फुट बड़ा चला फौज में भर्ती होने। और एक और बात सुन, कहीं जंग के मैदान से भागना मत, सीधा पापा को तार भेजना कि अरुण को भेजो मेरी रक्षा के लिए, तेरी बंदूक पकड़ने वहां भी आ जाऊंगा। जा जा लल्लू जा, मन बनकर दिखा मन, फिर फौज में भर्ती हो जा। पापा की बेइज्जती सुनकर साले तुझे शर्म नहीं आई और तू चुप बैठ गया, लेने से तुझ पे कंचन कंचन तो मैं क्या कह रहा था कि ये तो आप जानते ही हैं कि मैं जीतूंगा ही। तो अक्कल की माचिस से दिमाग की मोमबत्ती को जलाकर सुनिए कि मैं आपके लिए जीतने के बाद क्या क्या सेवा करूंगा। ढक्कन खोल के पानी थोड़ा उठा ही तल, तल। तो भाइयों मैं जीतने के बाद इस गांव की गरीबी को और बढ़ा दूंगा। जी नहीं, गलत लिखा है, गरीबों को उठा दूंगा। अरे बापू बंद करो ये भाषण, निकल गया हम लोगों का राशन। अबे क्या हुआ ढक्कन खोल के बापू? अरे भाइयों मैं अपने बापू के वोटों के लिए लोगों को समझा रहा था तो न जाने उतने में मेजर शर्मा का लड़का अरुण कहां से टपक पड़ा। उसने आओ देखा ना ताओ और मेरे बाबू को मां बहन की इतनी मोटी मोटी गालियां देनी शुरू की। मैंने कहा अरुण ये शरीफ आदमियों के लक्षण नहीं। तो बापू जानते हो फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ? दतरेगी दतरेगी दतरेगी, हम सबको अकेले देखे वो चुकाएगी वो चुकाएगी, वहां कसम आपकी नानी याद आ गई। अरे देख लिया भाइयों, ये फौजी फौज से आया था और इस गांव में फौजदारी करके आपकी और हमारी सबकी जमीन हड़प कर ली। और देखिए अब तो यहाँ तक नौबत आ गई मेरे इकलौते बेटे की, क्या हालत बना दी है। सरपंच साहब अब आप भी फैसला कीजिए इस बात का। ठीक है ठीक है ठीक है, भाइयों आइए हम सब चलकर मेजर शर्मा से पूछते हैं कि ये कौन सा तरीका है इलेक्शन लड़ने का। आइए मेरे साथ। हाँ भाइयों, मैं आप लोगों से एक बार हाथ जोड़कर फिर माफी मांगता हूँ। पापा इन कबीरों से माफी किस बात की, ये तो सब एक नंबर के झूठे पापा। अरे कौन झूठा है, हम या तुम? अबे और घड़ियां या ड्रामे की जरूरत नहीं है, तो जो तेरे पियक्कर बाप को सारा शहर जानता है। अरे क्या जानता है, तमाशा दिखा रहे हो? अरे क्या तमाशा दिखा रहे हैं, मारने से तो इसकी थकावट दूर होती है।
मेजर अब ये तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा। चले जाओ यहाँ से, सब जगह मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देता है। चले जाओ बाबा, जानते नहीं। मेजर कान खोल के सुन ले, फौजी होगा तो अपने घर का, मैं तेरा खून पी जाऊंगा डक्का। ठीक है, तुम लोग खून बहाना चाहते हो ना, तो ठहर जाओ। हाँ ठहरे, कर लो जो तुमसे होता है। अरे कौन डरता है? ये लो, बहा दो मेरा खून, डाल दो गोली मेरे सीने में। बड़े होशियार बनते हो मेजर, हम बेवकूफ नहीं जो इलेक्शन के टाइम पे बंदूकें चलाएंगे। इलेक्शन खत्म हो जाने दो, हम बंदूकें भी चला के दिखा देंगे। हाँ बस बस ठाकुर, एक शरीफ आदमी की शराफत का बहुत फायदा उठा लिया। अबे तुझे भी देख लेंगे दल बदलो। चलो भाइयों, तुझे भी देख लेंगे। मेजर साहब, हम एक गलत आदमी के बहकावे में आ गए, हमको माफ कर दीजिए। मेजर, अरुण की हरकतों की वजह से तुम्हें बहुत नीचा देखना पड़ा। खुद ही आग जलाकर उससे ये उम्मीद करोगे कि उससे कलेजे को ठंडक और मन को शांति मिल जाए? अरुण, कहीं ये आग हम दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से इतना दूर ना कर दे कि हम फिर किसी पवित्र अग्नि के गिर्द सात फेरों के लिए तरसते रह जाएं। तो तुम या मुझसे यह कहने आई हो कि अब हमारा संसार सब यहीं खत्म होता है? क्योंकि उन सब की तरह तुम्हारा दिल भी मुझसे फिर गया है। तुमसे मेरा दिल फिर जाए, इससे पहले मैं मर न जाऊंगी क्या? तो फिर उन सब की बातों को सच मानना, यही तुम्हारी मोहब्बत का सबूत है? मेरी मोहब्बत का सबूत खुद मेरी मोहब्बत है और कुछ भी नहीं। उन लोगों की बातें सुनकर मेरे दिल में एक डर पैदा हो गया है कि तुम्हारा ये गुस्सा जो अचानक एक शोले की तरह भड़क उठता है, कहीं मेरे सपनों की दुनिया को जलाकर खाक न कर डाले। अरुण, तुम अपने ये गुस्सा त्याग क्यों नहीं देते? मेरे बाप का कोई अपमान कर दे और मैं बर्दाश्त कर लूं? ये मुझसे कभी नहीं होगा रेखा। मैं जानता हूं मेरे पापा मुझसे ज्यादा केवल को चाहते हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल उनके प्यार के लिए कितना तरसता रहता है। और यह भी गवारा नहीं कर सकता कि मेरी मौजूदगी में मेरे पापा के खिलाफ कोई भी एक लफ्ज कह दे। वो साले घनश्याम कुत्ते कमीने के बच्चे ने जो भी मेरे पापा के खिलाफ कहा ना, अगर सुनकर मैं चुप रह जाता तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगती। मेरा मन मुझे दिन रात धुतकारता रहता। मैं अपने गुस्से को नहीं त्याग सकता तो क्या हुआ? अगर तुम्हारा मन मुझसे फिर गया है तो तुम मुझे त्याग सकती हो, समझे? मेरे दुखों को कोई नहीं समझता। सब तेरे ही दुखों के छाने कले जा मेरा एक तीर के, सब तेरे ही दुखों के छाने कले जा मेरा एक तीर के, सब तेरे ही दुखों के छाने। मैंने कितने दर्द है पाले कले जा मेरा एक तीर के, सब तेरे ही दुखों Thank you.
लाके किए हैं उजाले कलेजा मेरा देख चीर के सब तेरे ही दुखों के छाले कलेजा मेरा देख चीर के घटाओ से काली के डूब जाओ चांद बन के डूब जाओ चांद बन के तेरे कदमों तले बिछ जाओ मैं आशिकों का दिल बन के मैं आशिकों का दिल बन के मैं आशिकों का दिल बन के दिल कर दिया तेरे हवाले कलेजा मेरा देख चीर के दिल कर दिया तेरे हवाले कलेजा मेरा देख चीर के म्युनिसिपल इलेक्शन में सूबेदार मेजर हेमराज शर्मा 722 वोटों से जीत गए हैं और ठाकुर हनाम सिंह की जमानत जब्त हो गई है। अरे कहाँ चला कमीने, तुम्हारे साथ रहकर मेरी पिटाई हुई, तुम्हारे खातिर मार खा सकता हूँ लेकिन चरम नहीं खा सकता। मैं चला एनडीए के एग्जाम में पास हो गया हूँ पापा। केवल वेल डन माय बॉय। मेजर एक दिन में दो दो खुशियाँ, अब हो जाए पार्टी। जल्दी से शहर जा, एक दर्जन विस्की, सोलन नंबर वन, एक केस ब्रांडी, एक केस रम, केवल मत सुन, शाम से पहले पहले घर वापस। अरे सबकी लाइफ बना दूंगा सर। प्रधान जी, तुम्हारे गले में डालने को हार नहीं ला सका, ढक्कन खोल के उसकी माफी दोगे ना? कौन है वह फरियादी? जनता प्रधान से माफी मांगती है, जाओ हमने माफ कर दिया ढक्कन खोल के। वारे बुढ़े, तुमने हमें बड़े धोखे में रखा। अगर पेट में बोतल भर शराब डालकर तुम प्रधान बन सकते थे तो हमें पहले क्यों नहीं बता दिया? हम थोक में शराब खरीद कर यहां डाल देते। अब सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारा आखिरी जुलूस निकलने ही वाला है और उसका खर्चा सिर्फ दो नए बांस की अर्थी से लेकर 8 मन सूखी लकड़ी और पांव खनस्तर वनस्पति घी, ये सब कौन देगा? तुम्हारा बाप? अब तेरे बाप की चिता पर वनस्पति घी डालेगा? कम से कम एक डजन विस्की की बोतल तो डालना। और लल्लू, हाँ, अभी तो हम 20 साल तक मरने वाले नहीं है, काली बोतल की तरह लुढ़कते रहेंगे ढक्कन खोल के। आज तो खुशखबरी पे खुशखबरी फेंक रहे हो, जुलूस तो अब मैं निकालूंगा उस लंगड़ू दीन और उसके बेटों का, खून पी जाऊंगा उन कमीनों का और अपनी बिकी हुई जमीनों उनसे वापस लूंगा। Thank you.
ना मर जाता तो? मर जाता तो मुझे क्या? छोड़ दो मुझे। मैं सबको खत्म कर देना चाहता हूँ। अबे हो मेरे को। मेरे पिस्तौल वापस दो, मेरे पिस्तौल। गाड़ी के टायर पंचर करती हूँ। जानती है 10 मील इधर और 10 मील उधर कोई आबादी नहीं है। ऊपर से रात होने वाली है, कहीं मर गई तो यहाँ लाश उठाने वाला नहीं मिलने वाला। अरे अरे हंसी क्या? तुम मुझे पागल समझते हो? अरे जनाब, मैं यहाँ आई इसलिए हूँ कि मरू तो किसी को मेरी लाश तक का पता ना चले। है? वो देखो पेंजर। जी हाँ, कभी वो भी मेरी तरह था, जीता जागता चलता फिरता, कल मैं भी जैसे हो जाऊंगी। अच्छा, तो तुम मरना चाहती हो? हाँ हाँ, मैं मरना चाहती हूँ। अब तो फिर ये नाटक किस बात का? कभी राह चलते पे गोली, कभी अपनी गाड़ी पे निशाना, मरने का है ना? ये रही पिस्तौल, ये रही तुम, पढ़ाओ अपनी लाइफ और क्या। हाँ भाई गॉड, कुछ समझ नहीं आता, लोग ना जाने कैसे कैसे हालात में जीने की तमन्ना करते हैं, और तुम, तुम्हें भगवान की दी हुई कौन सी चीज नसीब नहीं है? किस बात की कमी है तुम्हें? क्या तकलीफ है भाई तुम्हें? तकलीफ? तुम्हारे डैडी हैं? डैडी? पापा? हाँ हाँ पापा, तुम्हारे पापा हैं। वो तुमसे प्यार करते हैं। प्यार? मेरे पापा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पापा मेरे भी हैं, वो भी प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ पैसे से, चाहे वो पैसे इंसान के खून से क्यों ना रंगा हो, उनकी जिंदगी सिर्फ काला धंधा स्मगलिंग है और कुछ नहीं। छोटी सी थी, मां मर गई, पापा ने मुझे पैसे और पैसे से खरीदी जाने वाली हर चीज दी, लेकिन प्यार कभी नहीं दिया। मैं यहां कॉन्वेंट में पढ़ती थी, पिछले 2 साल से वो मुझे कभी मिलने नहीं आए। मेरी पढ़ाई खत्म होने पर कल रात जब मुझे लेने आए तो एक गेस्ट हाउस में छोड़कर न जाने कहां गायब हो गए। और सुनो, मुझे रोकना मत, मैं मरने जा रही हूं, मुझे मत। ए, 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 ए! चलो खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। अरे शराब नहीं तो ना सही, खाना तो है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, तुम्हारा वक्त है, खाना ठंडा हो रहा है। लक्की राम जी, आज तो मेजर ने खूब की, घर बुला के पैसा मार दिया। हाँ हाँ, चलो चलो लक्की राम जी, जरा दम दीजिए, अरुण आता ही होगा। डॉक्टर साहब, अरुण के आने तक दम अंदर रहता है या नहीं ये किसे मालूम। शराब बहुत बुरी चीज है और बुरी चीज का इंतजार करना और भी बुरी बात है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम कौन सी अच्छी चीज हो, इंतजार तो हम तुम्हारा भी करते हैं। जल्दी कर, हमें सख्ती रखनी है। पापा, ये वक्त है तुम्हारे आने का। पापा, ये कौन है? ये तेरा नाम क्या? ज्योति। पापा, पापा इसका नाम ज्योति है, मेरे पापा। नमस्ते जी। नमस्ते। पापा, ज्योति आज बुझने जा रही थी। बुझने? हाँ पापा, बड़ी मुश्किल से बांध कर लाया उसे इधर, खुदकुशी करने जा रही थी। खुदकुशी? कावर्ड सिविलियंस। मगर क्यों? पापा, इसके डैडी है ना, इसके पापा, इसको बिल्कुल प्यार। प्यार? हाँ अंकल, सच कहती हूँ, जिन बच्चों के उनके माँ बाप प्यार नहीं करते, उनकी जिंदगी मौत से बदतर होती है। क्या? मान लीजिए आप अपने बेटे से प्यार नहीं करते तो ये बेचारा कितनी मौतें मर चुका होता। अबे ओ, मेरे पापा तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर तो मेरी बात जरूर समझेंगे। अंकल एक बात बताइए, क्या माँ बाप का प्यार उनके बच्चों के लिए जरूरी नहीं होता? बोलिए ना अंकल। सुनो जी, आज हमारे घर में बहुत बड़ा खुशी का दिन है, तुम भी अपना सब कुछ भूल कर हमारी खुशी में शरीक हो जाओ, आओ। लेकिन अंकल मैं... तुम पहली दफा हमारे घर आई हो, हमारा घर तुम्हारा घर, चलो। अंकल आप यहाँ हैं, अंदर सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। पहले इधर आओ, ये हमारी नई बेटी ज्योति, और ये है हमारी पुरानी बेटी रेखा, जाओ। हेलो, चलो चलो चलो, चलो, चलो। जल्दी चलो। पापा और मैं? तुम जी, तुम एकदम नालायक हो, समझते हुए भी कुछ नहीं समझते। पहली बार
सुहानी आई खुशियाँ बनके पहली बार शाम सुहानी आई खुशियाँ बनके पहली बार आज कई बरसों में पायल छनके पहली बार कोई अधूरी आशा पूरी टूटी दूर की दूरी टूटी दूर की दूर तो लेकर ठुमका नाचू आज मैं तनके पहली बार लेकर ठुमका नाचू आज मैं तनके पहली बार शाम सुहानी आई खुशियाँ बनके पहली बार आज कई बरसों में पायल छनके पहली बार बेशुमार जी चाहे मैं हो के सौदाई लुटा दूं खुदाई मिला है मुझे प्यार मिला है बेशुमार रात आई है किस्मत वाली जलाओ दीवाली मिला है घरात मिला है संसार इस मन की पावन धरती से फूट पड़ा है प्यार फूट पड़ा है प्यार फूल खिले हैं देखो मेरे मन के पहली बार फूल खिले हैं देखो मेरे मन के पहली बार शाम सुहानी आई खुशियाँ बनके पहली बार खाता जा पीता जा भर पे माना तू हे हे खाता जा पीता जा भर पे माना तू हो हो अपना रंग जमाता जा हो दीवाना तू हे हे मस्ती में लहराता जा बन मस्ताना तू अपना आज बनाता जा ये जमाना तू मेरे जीवन के गुलशन में आई नई बहार आई नई बहार एक फौजी का बेटा चला है तनके पहली बार एक फौजी का बेटा चला है तनके पहली बार शाम सुहानी आए खुशियाँ बनके पहली बार देखो कैसे खुशी के रंग छाए
पहली बार मेरे दिल में आ जा मेरा बनके पहली बार मेरे दिल में आ जा मेरा बनके पहली बार शाम सुहानी आई खुशियां बनके पहली बार आज कई बरसों में पायल बनके पहली बार दीवान साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप तक माल पहुंचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। मुझे तुम जैसे दलेर आदमी की जरूरत है। दीवान साहब आप चांस तो दीजिए, मैं सर कटवा भी सकता हूं और आपके लिए सर काट भी सकता हूं। रेले, अगर इतना दिल गुर्दा रखते हो तो इस छोटी सी जगह में क्या कर रहे हो? मेरे साथ शहर आ जाओ, दौलत में नहला दूंगा। ये लो मेरा कार्ड। अच्छा मैं चलता हूं, मेरी बेटी गेस्ट हाउस में अकेली परेशान हो रही होगी। दीवान साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं शहर जरूर आऊंगा, लेकिन पहले मुझे उस लंगड़ुद्दीन से हिसाब चुकाना है। उसके दो बाजुओं में से एक बाजू। What is this? आपकी वर्दी। वर्दी तुमने क्यों पहनी? चोला बदलना था ना, इसलिए। चोला? व्हाट चोला? अंकल ये मत भूलिए, कल रात को आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है। श्योर। अंकल एक बात कहूँ? श्योर। अब मैं इस घर में रहूंगी अपने प्यारे प्यारे अंकल की बेटी बनकर। अब ये घर मेरा है। हुर्रे! नो डिसमिस। मेरे दिल में आ जा मेरा बनके पहली बार मेरे दिल में आ जा मेरा बनके। कुछ गलत सोच रही थी क्या? भगवान तुम तो जानते ही हो कि मैं हर फैसला फौरन करती हूँ, इसे पूरा कर देना। अरे जरा सी उसकी कमर में हाथ डाल के नाच लिया तो कौन सी आफत आ गई? वैसे आपसी बात है, बाय गॉड उसमें तुमसे ज्यादा नमक है। तो जाओ ना उसके पास, तुम्हें किसने रोका है? ऐसी बात है तो मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ जाओ। जाता हूं मैं, जाता हूं, जाता हूं। तुम तो चाहते ही यही हो, मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं। होल्ड। अरे वाह सोनिया, तुम तो फौजी लग रही हो इस यूनिफॉर्म में। ये यूनिफॉर्म पहनकर मैंने एक बहुत बड़ा फौजी फैसला किया है। फौजी फैसला? कैसा फैसला? तुम्हारे साथ रहकर गाकर नाच कर ऐसे लगता है तुमसे इश्क करूं। okay, क्या? बस थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद शादी कर लेंगे। शादी? तुमसे? क्यों, मुझ में क्या कमी है? लड़की हूँ, खूबसूरत हूँ, जवान हूँ। भाई गॉड, तुम्हारा दिमाग वाकई खराब है यार। तुम सब फैसले फौरन कर लेती हो? मैं हर फैसले छट से करती हूँ, छट से। सबका? और फिर आजकल के जमाने में ज्यादा जीने का टाइम किसके पास है? हाँ कड़िए। हाँ। प्यार इतनी जल्दी, ये एक दिन में नहीं होता। क्यों नहीं होता? मुझे तो एक दिन में हो गया है, आजमा कर देख लो, जान भी दे सकती हूँ। तुम तो अपनी जान हथेली पे लेके घूमती हो, वो देख रहे हैं आप? उनका नाम है रेखा देवी जी। रेखा जी आइए आइए, आपको यहाँ सुनाया जा रहा है, यह मेरी महबूबा, मैं इनसे प्यार करता हूँ बच्चों का बचपन से। ड्राइवर गाड़ी रोक। मेजर शर्मा? सूबेदार मेजर शर्मा। नमस्ते, मेरा नाम है दीवान प्रताप चंद, मेरी बेटी ज्योति आपके यहाँ।
तो आप ज्योति के पिताजी हैं? जी जी हाँ, वो कह रही थी कि आप उससे बहुत प्यार, वो आ गई हमारी फौजी बेटी ज्योति। ये मोटा कौन है? ये मेरे डैडी हैं। ज्योति बेटे, I'm very sorry, कल रात के लिए अंकल क्या हुआ, बोलो बोलो। अंकल मैं चलती हूँ। अरे ये अचानक क्या हो गया हमारी फौजी बेटी को? कल तक तो कह रही थी कि तू यहीं रहेगी अपने प्यारे प्यारे अंकल की बेटी बनकर। अंकल आपकी फौजी बेटी ने एक जंग तो लड़ ली, लेकिन थोड़ी सी हार हो गई, बट नेवर माइंड अंकल। अरे ये जंग तेरी कहीं अरुण के साथ तो नहीं? अंकल मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। क्या नाम बताया आपने दीवान साहब? प्रताप चंद। ये मेरा बेटा है अरुण। नमस्ते बेटे, नमस्ते। अरुण सर्दी बहुत हो रही है, दीवान साहब के लिए कुछ इंतजाम करो। जी हाँ रामलाल। आइए दीवान साहब। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड जेंटलमैन ऑफ लेडी, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आई एम योर गाइड मिस्टर पिंटू, नथिंग टू डू विद मिस्टर चिंटू। आई थैंक यू वेरी मच। आप जी अगे राय बांधे। बच्चों, दिल तो आज भरेगा मेरा लंगड़ुद्दीन की औलाद। पकड़ो साले को। अच्छा लेडीज लाइक जेंटलमैन एंड जेंटलमैन लाइक लेडीज, दिस इज द फेमस बैटल ऑफ महाभारत युद्ध। महाभारत? यू मीन लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना? यस, एंड दुर्योधन वेरी बिग विलन लाइक डैनी डोंग जप्पा। You want to see the battle? देखो पहले अपना सारा कीमती माल पैसा रुमाल इधर डाल दो। अरे तुम नहीं जानता, तुम उधर दुर्योधन का बैटल वॉच करेगा, उसका चीफ असिस्टेंट प्रेम चोपड़ा तुम्हारा सब माल उठा कर ले जाएगा। जल्दी करो जल्दी करो। पुट योर मनी पुट योर, कम ऑन कम ऑन। थैंक यू वेरी गुड। बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन इंडिया मिस्टर पिंटू, नथिंग लेस देन चिंटू। चलो पीछू। ओए माल ले गया, कितने चले सारे देश का नाम बदनाम कर दे। रख प्लीज प्लीज। इतना फायदा तो हुआ कि खून करने तक आ गया। अरे खून तो कर लिया, अब शायद किसी की इज्जत लूटना बाकी है। अरे बाप प्रधान है, बेटा खून करे तो भी परी हो जाएगा। भाई मुस्लिम प्रधान का बेटा है, बाप जनता का पैसा लूटे और बेटा जनता का खून करे। भाई प्रधान तो बन गए, अब करो खून का खून। मुल्जम अरुण शर्मा, सूबेदार मेजर हेमराज शर्मा, गवाहों के बयानात और मौका पर ली गई तस्वीरों से साबित होता है कि मकतूल गिरधारी लाल की मौत तुम्हारे हाथों सीधा दनिस्ता कत्ल नहीं था। अदालत सब हालात को देखकर इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये खून तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए करना पड़ा, लिहाजा तुम्हें बरी किया जाता है और पुलिस को हदायत की जाती है कि ठाकर घनश्याम को जो 6 महीनों से फरार है अदालत के सामने पेश किया जाए। आ गया हूं काका।
अदालत ने मुझे निर्दोष मान लिया है। आप उन लोगों की बकवास अपने दिल पर क्यों लेते हैं पापा? आपने अपनी म्युनिसिपल प्रधान होने का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया। आपने अपनी पोजीशन और पैसों का कोई इस्तेमाल नहीं किया। पापा, कानून ने खुद मुझे बरी किया है। उस लड़ाई में मेरी भी मौत हो सकती थी पापा, मैं नहीं मरा। आपको इस बात की कोई खुशी नहीं पापा? आप उन लोगों की जबान बंद करना चाहते हैं, मगर मुझे आप अपने सीने से नहीं लगाना चाहते। गैरों का इतना फिक्र है आपको, मेरी कोई चिंता नहीं। जिसे माँ के मरने के बाद आपसे बाप और माँ दोनों का ही प्यार मिलना चाहिए था, वो प्यार कभी मुझे मिला? इस प्यार की मुझे कब जरूरत नहीं थी? जब मैं कसूरवार था तब भी, और आज निर्दोष माना गया हूं अब भी। जन्म से लेकर आज तक उस प्यार के लिए तरस रहा, लेकिन आज तक मुझे आपसे क्या मिला? नफरत, ठोकरे, हकारत और ये दूरी। ये घर मेरे लिए घर कब बना पापा? ये तो मेरे लिए फौजी सराय के सिवा कुछ भी नहीं था, और आज अदालत से बरी होकर फिर से एक फौजी बैरक में धकेल दिया गया हूं। My God, this is the truth. आर्मी से बुलावा आया, ऑफिसर बनेगा। पापा, ये आंसू सिविल साइड में होते हैं, आर्मी में नहीं। हेलो केवल, कब आए? फौज में तुम्हारी नाकामी की खबर सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन केवल तुम इस नाकामी को दिल पर मत लगाना। हाँ, अच्छा, बाय बाय। रेखा? यस, बोलो। कोई खास चिंता वाली बात तो नहीं? नहीं रेखा, दरअसल बात यह है कि बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे नहीं कह सकते? रेखा, बात यह है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या, तुम और मुझसे शादी? मैंने कोई मजाक नहीं किया रेखा। पागलों जैसी बात मत करो केवल। जहाँ तक मेरे ब्याह का ताल्लुक है, वो तो तुम जानते हो कब का हो चुका। मैं अरुण को अपने मन और वचन से पति मानती हूँ और मानती रहूंगी। लेकिन क्या दुनिया वाले इसको इज्जत का रिश्ता मानेंगे? नहीं रेखा, और तो और तुम्हारे मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। और फिर उस इंसान से ब्याह करके क्या तुम्हें इज्जत मिलेगी जो हर एक की नजरों में गिर चुका है? इंसान को जीने के लिए सिर्फ मोहब्बत का भ्रम ही काफी नहीं होता रेखा, उसे इज्जत भी चाहिए। और वो इज्जत मुझे मिलेगी तो तुमसे ब्याह करके, है ना? कितना भोंडा मजाक किया है तुमने मेरे साथ। मैंने कोई मजाक नहीं किया रेखा, ये मेरी आत्मा का सच है। तुम्हारी आत्मा क्या और उसका सच क्या? जो आदमी अपने सगे भाई के साथ वफा नहीं कर सकता, वो मेरे साथ वफा क्या करेगा? हट जा मेरे रास्ते से, और खबरदार जो आइंदा अपने गंदे साये को भी मेरे सामने आने दिया। इडियट।
मैं अरुण को बिल्कुल पसंद नहीं करता, ये तुम जानते हो। उसकी शहर में क्या रेपुटेशन है ये भी तुम जानते हो। मेजर, मैं एक लड़की का बाप हूं, उसकी इज्जत ताबरू की रक्षा और उसकी खुशी मेरा फर्ज है। मेजर, मेरी भी ये दिली ख्वाहिश है कि रेखा इस घर की बहू बने, लेकिन अरुण की बीवी बनकर नहीं, केवल की बीवी बनकर। मेजर साहब, मेजर साहब, लगता है केवल बाबा ने जहर खा लिया है। क्या, क्या? केवल, केवल बेटा जान। जी साहब, जल्दी से पानी गर्म करो और बहुत सारा नमक डाल के ले आओ। अरे आप अभी लाए। डॉक्टर, घबराओ नहीं मेजर, जल्दी पता चल गया, ठीक हो जाएगा। डियर पापा, मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं, सिर्फ मेरी तकदीर है। जिंदगी में हर नाकामी के बाद भी जीने की एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी रेखा। जब मुझे पता चला कि रेखा भी जिंदगी में मेरा साथ नहीं दे सकती, तो मेरी रही सही हिम्मत भी टूट गई। रेखा अरुण को चाहती है और मैं रेखा को। आपका बेटा केवल। देखा मेजर, केवल रेखा को कितना चाहता है यह बात तुम्हें भी मालूम हो गई। अब मैं तुम्हीं से इंसाफ चाहता हूं। I'm sorry, सर। इसमें अफसोस करने की क्या बात है, शराब पीते हो यह तो मैं पहले से ही जानता हूं, लेकिन एक दिन मेरे सामने बैठकर गिलास से गिलास टकराकर पियोगे तो मैं बुरा थोड़ा ही मानूंगा, समझूंगा कोई खुशी है जो बाप बेटा एक दूसरे से बांट रहे हैं। शराब को जाने दीजिए पापा, मैं और आप एक दूसरे के सामने बैठकर खुशी मनाए तो फिर क्या खुशी के मारे में मर नहीं जाऊंगा पापा। अगर तुमने अपने दिल का सच कहा है तो आज शायद मैं यहां से मायूस नहीं लौटूंगा। मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं, दे सकोगे? अब मांगकर तो देखिए पापा, अगर आपको कुछ देकर मैं खुश कर सकता हूं तो मेरी जान तक हाजिर है। सवाल तुम्हारी जान का नहीं, केवल की जान का है। केवल? मैं तुमसे उसकी सलामती की भीख मांगता हूं। नहीं पापा, आप और भीख, ऐसी बात अपने मुंह से दोबारा कभी मत निकालेगा पापा। तो ये लो, केवल की चिट्ठी पढ़ लो जो उसने नींद की गोलियां खाने से पहले लिखी थी। मगर पापा जानते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारे और रेखा के मेलजोल के बारे में ही नहीं जानता, बल्कि और भी बहुत कुछ जानता हूं जिसका ताल्लुक सिर्फ तुमसे है। आज इस सारे शहर में कोई भी शरीफ आदमी अपनी बेटी का ब्याह तुमसे करने के लिए तैयार नहीं है, और यह शहर वही है जहां हर जगह मेरी इज्जत है। लेकिन पापा, मैं और रेखा। रेखा को हमेशा के लिए भूल जाओ। रेखा के मां बाप उसकी शादी केवल से करना चाहते हैं, और मैं ये रिश्ता मंजूर भी कर चुका हूं। केवल रेखा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, यह अब तुम भी जान गए। केवल की खुदकुशी का कारण मुझे क्यों बनाते हैं पापा? मैंने आज तक केवल के दिल को कोई ठेस पहुंचाई है? नहीं पापा, और आप भी जानते हैं। लेकिन एक बात है, अगर मैंने गोलियां खा के खुदकुशी की कोशिश की होती तो क्या आप केवल से वही कुर्बानी मांगते जो आज आप मुझसे मांग रहे हैं? तुम उस सवाल का जवाब पूछते हो जो आज तक उठा ही नहीं और ना कभी उठेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बचपन ही से तुम्हारे खून के अंदर घुला मुला फौलाद देख चुका था। मैं जानता हूं कि तुम बुजदिल नहीं हो। बुजदिल ना होने की इतनी कड़ी सजा दे रहे हैं आप मुझे पापा। सजा तो मुझे मिल रही है, बदनसीब तो मैं हूं। जिंदगी में पहली दफा भीख भी मांगनी पड़ी तो खैर भूल जाओ।
आज आप बरसों के बाद मेरे नजदीक आए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे अपना रहे हैं। ये अपनाना भी एक दो तरफा खेल है जिसका सलीका तुमने अभी तक नहीं सीखा। मैं तो कुछ और ही कहने सुनने आया था। केवल और रेखा की शादी से आपको और रेखा के माँ बाप को खुशी होगी तो ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। आप केवल की सुख की बात कहते हैं ना, मैं उसके आड़े कभी नहीं आऊंगा, आप यकीन कीजिए। इतना ही नहीं, मैं रेखा को भी शादी के लिए राजी कर लूंगा। लेकिन तुम ये सब कर सकोगे? मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं पापा, मैंने जो कुछ भी कहा मैं वही करूंगा। की बात तो इतने बड़े ध्यान में दो इंसानों का हंसना क्या और रोना क्या। फूलों से भी जान है सुंदर, जान से सुंदर प्री, प्री से सुंदर मन अपना, मन से सुंदर मन की जी, मन की जी जला के तू कर दे रोशन यार का घर। प्रीत में जीना प्रीत में मरना यही है प्रेम की रीत, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिल का नाम है। जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, जिंदगी नाम है, जिंदगी जिंदा दिल का नाम बस इतनी दया करना कि मुझसे यह कोई ना पूछे कि जिंदगी ने कैसा सलूक किया। बस अच्छा ही किया होगा। चलो चले मां। अरुण, Thank you.
समझिए प्लीज कम हियर प्लीज लो पियो पापा आप हमारे तुम्हारे दरमियान जो रिश्ता है ये न समझ लेना वो खत्म हो गया वो तो आज शुरू हुआ है एक लुटे हारे से कैसा रिश्ता जोड़ेगा पापा ऐसा रिश्ता जोड़ूंगा कि जग बोल उठेगा एक बाप बेटा ऐसे भी हैं जैसे न कभी थे न होंगे शायद जग ये भी बोल उठे पापा कि आज वो बेटा ऐसा लुटा लुटा सा लगता है कि जैसे पहले ना कभी कोई लुटा था और आइंदा ना कभी कोई लुटेगा कुर्बानी देने के बाद पछतावा ये तो कोई जिंदा दिल ही नहीं है और पापा कुर्बानी लेने के बाद पछतावा ये भी तो कोई जिंदा दिल ही नहीं चीयर्स पापा मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं छः चार आठ साढ़े चार चार तीन दो ढाई दो दो डेढ़ एक डेढ़ डेढ़ दो ढाई साढ़े तीन डेढ़ एक वाह मेरे राम प्यारे तेरी यहां कोई कीमत नहीं चल तेरा रूप कहीं और जमाते क्या चाहिए साहब एक मिनट ठीक है ठीक है बोलो साहब क्या चाहिए क्या दो छुट्टा छुट्टा हाँ अच्छा छुट्टा छुट्टा लीजिए चलो लाइन में खड़े हो चलो एक दो तीन चार पांच सलाम मारो सलाम सलाम जाओ अब तो खाली जेब से ही खाली पेट भरना पड़ेगा हेलो गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग यू वांट अ रूम सर रूम आई मीन आई वांट डाइनिंग रूम डाइनिंग रूम ओह यू मीन रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट दिस इज अ यस मैम साहब साहब को रेस्टोरेंट बताओ भोजन स्थान चलो साहब दिखाता है ये देखो साहब ये शीशे में यस ये तो हजाम की दुकान दिखती है भाई आजकल सब होटल हजाम का दुकान है साहब अच्छा साहब खाने के पीछू अगर पीछू से कुछ मांगता है तो आप पीछू से हमको बोलो हाँ हाँ ठीक है ठीक 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 पीछू को पीछू से पीछे मिलेगा ठीक है पीछे हटेगा साहब राशन कार्ड क्या ला
भोजन पत्र मेन्यू कार्ड मेन्यू कार्ड फूले पत्र ये भाषा मुझे समझ नहीं आती। हाँ एक मिनट ये 16 रुपए वाला चीज। अरे 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 ये खास क्यों खराब करते हो? मैं तो बोला नहीं मैं इधर लिख लेता। एक मिनट यार तेरी मैं लाइट बना दूंगा तू खा। हां अरे फर्क नहीं होटल की लाइट बना दूंगा। अरे बात बात खा जा तो मेरी आप आप बन जाएगी। अरे 22 रुपए हारने का ये अच्छा। अरे भाई क्या कुछ 40-50 रुपए की कीमती चीज नहीं? जैसे कुछ चिकन बगदादी मुर्गा की नपाई देवर लिखना पा जाना मैं खुद का। नहीं नहीं मतलब मेरा मतलब कुछ कीमती कीमती चीजें जितनी कीमती चीजें होना होटल में सब ले तू सब ले सब ले। आप अकेला है क्या? आपके साथ दूसरा भी कोई और है? मेरे साथ मेरा पेट है। पहले पेट है ना तो ये सब चीज एक पेट के लिए है। तो फिर किसके लिए? आप तशरीफ ले जाइए। क्या ले जाओ? तशरीफ ले जाइए। हाँ तशरीफ ले तो नहीं तशरीफ ले जाइए। आप जाइए। एक्सक्यूज मी सर, मैनेजर साहब कमरे में नहीं था इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। ये छोटा 150 रुपये का खाना हजम कर गया। बिल मंगा तो पैसा नहीं देता है और ऊपर से धमाल मचाता। बहुत भरोसा था। छोट मत बोल। हाँ नहीं खाया खाना खाया। देखो कितना धमाल करता है। धमाल का क्या मतलब? दीवान साहब अरुण कमाल है। ना आता ना पता ना चिट्ठी ना ताना टेलीफोन आने की खबर ये सब सिविल में होता है आर्मी में नहीं समझे? अरे अगर पहले तुम्हारे आने की खबर होती तो तुम्हारी शान में बहुत बड़ी वेलकम देकर तुम्हारी लाइफ बना देती। मगर ये भी कोई तरीका आने का? बोलो 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 बोलो। पहले जनाब अपनी बड़बड़ को फुल स्टॉप लगाए तब कुछ बोलो। वेरी गुड। अब मैं अपनी बड़बड़ बंद करती हूँ। अब आप चालू हो जाइए। कहाँ से चालू करो? वो अंकल अपने प्यारे पापा कैसे हैं? पापा अच्छे हैं। और केवल वो तो बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया होगा। हाँ अब तो उसको बहुत बड़ी पदवी मिल गई है। और तुम्हारी वो बहुत अच्छी है बहुत खुश है। उसकी लाइफ कब बना रहे हो? उसकी लाइफ तो मैंने बना ही थी। अच्छा हाँ चलती उसकी शादी हो गई है। शादी मगर किससे? मेरे भाई केवल से। मगर ये सब हुआ कैसे? हो गया। कभी कभी ऐसा होता है ज्योति जब अपनों को अपना सब कुछ देना पड़ता है और फिर देखते देखते दुनिया बदल जाती है लोग बदल जाते हैं। यही जिंदगी का नाम है। अरे मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें। छोड़ यार जो बात खत्म हो गई उसके बारे में जिक्र ही क्या। करेक्ट ज्योति जिंदगी जिंदा दिली का नाम है मुर्दा दिल क्या खा जिया करते हैं। क्या बात है। बात है ना। और एक बात मैं कहूँ? दो बात कहूँ। वैकेंसी है अभी दे दू। कहाँ है वैकेंसी? वो शहर छान मारा ना कहीं नौकरी मिलती ना कहीं काम। बस नहीं की क्या कमी? तुम एक नौकरी मांगो हम तुम्हें 10 से और वो भी मालिकों से। कल से तुम हमारे होटल में काम करोगे। साहब को बुकिंग दे दो। माय नेम इज जॉन बेनन। जॉन बेनन यस सर 405 ओके विल यू प्लीज चेक इन हियर। यसुदा साहब का सामान चौथा वाला ले जाओ। यस सर। कम साहब थैंक यू। हाँ डिकॉस्टा 405 साहब। या बख्शीश। व्हाट बख्शीश? टिप टिप। ओह टिप। हाउ मच इज दिस? 1 रुपी। 1 रुपी? बट द बैंक टोल्ड मी 100 रुपीज। ओह वो पिछू की बात साहब। टुडे 100 रुपी लाइक 1 रुपी वैल्यू नो मनी ऑल प्राइस वेरी हाई। ओके ओके थैंक यू। सुजा यस सर ये क्या था?
हम तो कुछ नहीं किया साहब, वो तो साहब ने किया। क्या मतलब? हमने तो 1 रुपया टिप मांगा, उसने 100 रुपये दे दिया, बोला अमेरिकन के लिए 100 रुपये लाइक 1 रुपी 50-50। शट अप, अंधा, तुमने ऐसी हरकत की तो नौकरी जाएगी। ठीक है साहब, हिंदुस्तानी का अपना नौकरी लग जाता तो वो पीछे से दूसरे का पत्ता काटना मांगता। हाँ हाँ, शाम यहाँ से निकल चुका है, बाकी वो सब संभाल लेगा। तुम गोदाम जल्दी साफ करवा, क्विक क्विक फास्ट। हाँ, अरे शाम, तुम वापस आ गए, क्यों, क्या बात है? वापस आया हूँ ये पूछने के लिए कि जो रिसेप्शन पे नया लड़का काम कर रहा है उसे नौकरी पर किसने रखा है? क्यों, तुम जानते हो उसे? उसे तो क्या, उसके सारे खानदान को जानता हूँ, और अब ये जानना चाहता हूँ कि उसे नौकरी किसने दी। मिस्टर श्याम, इस होटल का मालिक मैं हूं, जिसे चाहूंगा रखूंगा, जिसे चाहूंगा निकाल दूंगा। तो फिर उसे यहां से निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपका पार्टनर हूं और मैं नहीं चाहता कि अरुण यहां काम करे। अरुण से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरा और उसका ताल्लुक ये कभी बाद में बताऊंगा, फिलहाल मेरा ताल्लुक आपसे है, आपके बिजनेस से है और आपकी बेटी। Shut up, you bastard! अपनी औकात भूल गए? याद रखो, तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, सिर्फ मेरी वजह। आप भी मत भूलिए कि मैं आपके हर काले और सफेद धंधे में बराबर का हिस्सेदार हूं। कहीं जुर्म आपने करवाया और मैंने किया, कहीं गोली मैंने चलाई लेकिन पिस्तौल आपका था, कहीं माल आपके हाथ लगा लेकिन जान खतरे में मैंने डाली। अभी तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा है दीवान साहब, मेरी जुबान खुली तो ये इज्जत, ये शान और शौकत, ये वकार सब के सब मिट्टी में मिल जाएंगे। शट अप! ये तुम नहीं, ये तुम्हारा कमीनापन बोल रहा है। याद रखो, जो लोग सांप पालते हैं उन्हें सांपों के दांत भी तोड़ने आते हैं। लेकिन दीवान साहब, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सांप पालते हैं सांप उन्हीं को डस भी लेते हैं। मेरी बात ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, और अगर फिर भी आपकी समझ में ना आए तो मैं फिर आऊंगा आपको समझाने के लिए। गुड बाय। पीछे से गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून डिसूजा। अरे 3 बज चुके, तुम्हारा तो ऑफ हो चुका है, घर नहीं गए? पीछे से हमारा घर ही नहीं साहब, हम किधर जाएंगे? तुम मेरी तरह हो। पीछे से आपका भी घर नहीं साहब? था लेकिन अब नहीं। आओ बैठो, इधर आपका बराबर में। अरे छुट्टी के बाद सब बराबर होते हैं। आओ, कम ऑन सर। गॉड आपको हमेशा के लिए छुट्टी दे दे साहब। डिसूजा, जिंदगी में तुम पहले आदमी हो जिसे हमेशा खुश देखा, जिसे कोई गम नहीं। ओ, हमको पीछू से बहुत गम है साहब, मगर हम पीछू का गम पीछू रखता है। ये तो और भी अच्छी बात है, दुनिया में ऐसे आदमी बहुत कम मिलते हैं। दुनिया में ऐसा आदमी बहुत ज्यादा साहब, मगर ऐसा आदमी दुनिया में पीछू ही रहता है, और रोने धोने वाला आदमी आगे निकल जाता है आपकी तरह। हाय, पीछे से हम चलता साहब। डू डू बी सिली डिसूजा, बैठो बैठो, कम ऑन सर। ओ कम ऑन, पीछे से हम चलता साहब। ज्योति सर, कांटा मछली को पकड़े तो हम एंजॉय करता है, मगर मछली कांटा को पकड़े तो हम एंजॉय नहीं करता, हम पीछे से चलता है। ज्योति ज्योति, कहीं मैनेजर मुझे देख ले तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ओ वो कैसे चल जाएगी, ये होटल मेरे बाप का है, यहाँ सब मेरे नौकर हैं, समझे? या मैनेजर दास ने आपको घर पे बुलाया है। मुझे? जी। क्यों? साहब की छुट्टी हो चुकी है, तुम जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, बोलो मैं आता हूँ। ज्योति, नई नई नौकरी का सवाल है, कोई जरूरी काम होगा, मैं भी। अच्छा सुनो, तुम मैनेजर से मिल लो, लेकिन उसके बाद अगर तुम मुझे नहीं मिले तो तुम्हारी नौकरी फिर भी खतरे में होगी। जाओ। हाय ज्योति। हाय। तुम जब भी होटल में आती हो ना, सारा होटल चमक उठता है, लेकिन तुम्हें इस होटल की शान और मालिकों की इज्जत का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? इस तरह होटल के असिस्टेंट के साथ खुल्लम खुल्ला। ओ शट अप, तुम कौन होते मेरे मामले में दखल देने वाले? मैं कौन होता हूँ? मैडम ये मत भूलिए कि आपकी मेरी शादी होने वाली। जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम मी, अंडरस्टैंड? Thank you.
काश आप एक बेटी के बाप बन सकते। एक दिन आपकी बेटी आपसे तंग आकर खुदकुशी करने गई थी, तो अरुण ने उसे नई जिंदगी दी। आज अरुण शहर में जीने के लिए आया है और आप उसकी जान लेने पर तुल गए। मगर बेटी, आपका पार्टनर श्याम आपकी दौलत और आपकी बेटी दोनों को हासिल करना चाहता है, लेकिन आप दौलत की आवाज में इतने गिर चुके हैं कि आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। अरे बच्चा तेरा गाड़ी लगा देना। आप साहब अंदर नहीं जा सकते, बड़े साहब का हुक्म है। क्या उल्लू के पट्टे नशे में हो क्या? नशे में यह नहीं, लेकिन तुम्हारा नशा उतारने का वक्त आ गया है। दीवान साहब, आज तो शराफत से कहा है, आइंदा इस होटल में घुसने की कोशिश की तो हड्डी पसली बराबर कर दी जाएगी। दीवान, ये काले धंधे की कमाई अगर मुझे नसीब ना हुई तो याद रख, तेरी बेटी को भी नसीब नहीं होगी। शट अप! उसे तो पहले इस काली दौलत से नफरत है। ये काले धंधे की कमाई मैं खुद ब खुद सरकार के हवाले कर दूंगा, लेकिन तुम जैसे कुत्ते के हाथ नहीं लगने दूंगा। निकाल दो इसे। गुड बाय। दीवान साहब, कुछ ही दिनों में अरुण बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस इन्हें आप कुछ दिन आराम करने की सख्त जरूरत है। आराम और अस्पताल में? डॉक्टर साहब, इस चार दीवारी के घुटन में मैं तो पागल हो जाऊंगा। करेक्ट, तुम यहाँ नहीं रहोगे। हाँ, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे सोने का इंतजार कर रही थी। सोने का इंतजार? हाँ। दे आप, मैं सो जाऊंगा। आप जाइए अपने रूम में, सो जाऊंगा। गुड नाइट। तुमसे कहा कॉफी लेकर आपको मिलने? डॉक्टर ने बोला है दूध पीने के लिए, लो पियो। तुम भी यार। मैं पिलाती हूँ ना। डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा कि तुम्हारा हाथ इधर होना चाहिए पिलाने के बाद? ये तो मेरा दिल करता है। मेरा इलाज डॉक्टर कर रहा है, तुम्हारा दिल नहीं। तुम्हारे जख्मों का इलाज डॉक्टर कर रहा है, लेकिन मेरे जख्मों का इलाज मैं नहीं कर रहा। हाथ लगाओ तुम्हारा। चिल्लाते क्यों? लो पियो। Thank you.
on here? Hello, Papa. कौन? ज्योति बेटी. Hello, hello. How are you? कैसी हो? अरुण कैसा है? Top of the world. क्या बात है बेटी? आज बहुत कुछ नजर आ रहे हो. बातें कुछ ऐसी है पापा. अरुण ने जिंदगी भर की खुशियां मेरी झोली में डाल दी हैं. Oh, that's the news. I'm very happy. मैं बहुत खुश हूँ. और मैं इस खुशी में चार चार लगा दूंगा. देखो, तुम कल शाम तक अरुण को लेके पहुंच जाओ. और मैं कल शाम को ही तुम्हारी मंगनी कर दूंगा. एक बहुत शानदार पार्टी होगी. चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी. हुर्रा! ओके पापा. क्या हुआ? ओ हरी आप. चला. चलो बैठो. वाह 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 वाह. लड़की गाड़ी चलाए और हम बगल में बैठे. हम कोई क्या उस किस्म के हैं? हाँ, दे चाबी उधर बैठ. लेकिन तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है ना? अबे शेर चोटों की परवाह नहीं करते. बैठ अंदर. ओके. अच्छा देख रहे. साहब, आपसे मुलाकात तो सिर्फ पार्टियों में होती है, पर जिनकी पार्टी है वो कहाँ है? बस पहुंचने वाले हैं, बहुत देर से चले हुए. दीवान साहब, आपको टर्न कॉल. एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, दीवान स्पीकिंग. दीवान साहब. हेलो. ओ नो. क्या हुआ? अनर्थ. ज्योति और अरुण दोनों कार एक्सीडेंट में मारे गए. हाय फॉक्स. अरे क्या हुआ? ये खामोशी क्यों? पापा. जवान साहब. ज्योति, तो आप लोग जिंदा हो? जिंदा दे कभी मरते नहीं है. सर, हम जानता था कि गार्ड पीछू से बहुत ग्रेट है. उसका जोक भी ग्रेट है. वो पहले मारता है और पीछू से बचाता है. सबके जाम भर दो, खुशी से पागल कर दो सबको. यस सर. लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं वो खुशखबरी आपको सुनाता हूँ जिसके लिए मैंने आप सबको यहाँ आने की तकलीफ दी है. मैं अपनी बेटी ज्योति की सगाई सुबेदार मेजर हेमराज शर्मा के सुपुत्र तुन शर्मा के साथ करने का ऐलान करता हूँ. पार्वती का बेटा. डिसूजा, तुम मेरी माँ को जानते हो? हैव अ ड्रिंक सर. डिसूजा, तुमने मेरी माँ का नाम लिया है. तुम जैसा एक आदमी मेरी माँ को कैसे जानता है? ड्रिंक पियो सर. डिसूजा, मेरा पीछा होता. मेरा नाम डिसूजा नहीं, मेरा नाम दयाल शंकर है. मगर इससे पहले कि तुम अपनी माँ के बारे में मुझसे कुछ पूछो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ. क्या? तुम्हारे पिताजी की एक टांग, तुम्हारे जुड़वा भाई भी है. हाँ, केवल नाम है उसका. लेकिन तुम्हें मेरे सारे खानदान के बारे में कैसे मालूम? क्योंकि तुम्हारे खानदान में तुम्हारी एक बदनसीब माँ भी, जिसे मैं जानता हूँ.
मगर तुम नहीं जानते। और जो तुम्हारे बाप के जुर्म का शिकार होकर तमाम उम्र लोगों के घरों के बर्तन साफ करते हुए अपना पेट पालती रही, यह है तुम्हारी माँ, जो जिंदा तो है मगर जिंदगी से लाचार। और वो तुम्हारे माँ बाप की शादी की तस्वीर। पार्वती बहन, पार्वती बहन, आ गए तुम। ये बहन, न जाने मौत कब मुझे बुलाएगी। मौत तो बरसों से तुम्हारे साथ रह रही है, मगर आज ये जिंदगी आई है तुम्हारे पास। ये कौन है? ममता की नजर से देखो, ये तुम्हारा बेटा। क्यों मेरी मौत से नाटक कर रहे हो? मेरे बेटे तो मरे नहीं। नहीं पार्वती, तुम्हारे बेटे मरे नहीं। मैंने तुमसे झूठ बोला। आज भी अगर ये नहीं मिलता तो ये रात रात ही रहता। यही तुम्हारा बेटा। फैसला करना है, अपनी जिंदगी की मुसीबतों का आखिरी हिसाब चुकाना है। मेरे सामने आओ। क्या पकता है? क्या तेरी आंख का पानी मर गया जो तू ये भी भूल गया कि एक बेटा अपने बाप से कैसे बात करता है? कौन सा बाप और कैसा बेटा? पहचानते उसे? और इसे? ये उस औरत का मंगलसूत्र और चूड़ा है जो मर चुकी है। अगर मैं पूछता हूं मेरी मां कब मरी थी, कहां मरी थी, उसका अंतिम संस्कार किसने किया था? बोलो। जिंदगी भर सच को झूठ बताने वाला पाखंडी, अगर मेरी मां मर चुकी है तो बताओ औरत कौन है? देखो सिंह, यही है वो बदनसीब औरत जो पति और दो जवान बेटों के होते हुए भी दरबदर की ठोकरें खाती रही। यही था तुम्हारा डिसिप्लिन? यही था तुम्हारा असूल? अरे बेटे। नहीं मां, आज मैं देखना चाहता हूं सच का नकाब पहनकर एक झूठा आदमी कब तक दुनिया को धोखा दे सकता है। मां, मां बता दे, बता दे मां, बता दे झूठे आदमी की सच्चाई क्या है। बोल मां, बोल बोल। इसने तेरा जो बिगाड़ना था बिगाड़ चुका, अब मेरे तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माँ, माँ मैं हूं ना माँ, चल मेरे साथ, तू मत डर, चल।
मैं मेरी माँ है, तुम्हारी बीवी है। ये मर रही हो तुम्हारे माथे पर शिकन तक नहीं, तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो, जानवर। इंसानियत के नाम पर बहुत बड़ी काली हो। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो, वरना जिस ज्वालामुखी को तुम कुरेद रहे हो वो फट गया तो तुम सब झुलस कर रह जाओगे। मैं पाखंडी हूँ, जानवर हूँ, इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ी काली हूँ। तुम और तुम्हारी माँ क्या है अगर ये बता दूंगा तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। तुम सकते हो तो सुनो। जंग में गोली लगने से मेरी एक टांग नकारा हो गई, फिर मैं अपने गांव चला आया, जवान से किसान बनकर एक नई जिंदगी शुरू कर दी। एक शाम शहर से गांव वापस लौट रहा था कि रास्ते में होश आने पर मैंने उससे पूछा, तुम्हारे कोई रिश्तेदार, कोई तुम्हारे माँ बाप किनको खबर करूं? मैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूं। वो बेसहारा थी, दुनिया में उसका कोई नहीं था, मेरा भी कोई नहीं था, इसलिए मुझे उससे पूरी हमदर्दी बल्कि प्यार हो गया। मैंने उससे शादी की बातचीत छेड़ी तो वो फौरन रजामंद हो गई, हमने जल्दी से शादी कर ली और खुशी खुशी वक्त गुजरने लगा। एक दिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेजर एक नहीं दो बच्चे होंगे तुम्हारे। डॉक्टर तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, डॉक्टर किसी तरह तीन नहीं हो सकते। क्या बक रहे हो, तुम नहीं समझोगे डॉक्टर, एक फौजी का सबसे बड़ा अरमान यही होता है कि उसका बेटा भी फौज में भर्ती हो, और अगर तीन हो जाए तो एक को आर्मी में, दूसरे को एयरफोर्स में, तीसरे को नेवी में भेजूंगा, फिर धरती आकाश और पाताल तीनों जगह मेरा खून अपने देश के लिए लड़ेगा। पार्वती, तुमसे कहा था कि बिस्तर से नहीं उठना, अब क्या हुआ, क्या हुआ? गिरने से दर्द बढ़ गया है। दर्द बढ़ गया है, लगता है मैं, आप जरा डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर, डॉक्टर मेरी बीवी की तबीयत। घबराने की कोई बात नहीं मेजर, जुड़वा बच्चों की पैदाइश कभी वक्त से पहले भी हो जाया करती है। तुम घर चलो, मैं अभी आता हूँ। मेरी बात मानो और यहाँ से भाग लो। कहाँ कहाँ तक भागती रहूँ और कब तक भागती रहूँ? तुम क्या समझती हो यहाँ रहने से तुम्हारी पिछली कहानी खत्म हो जाएगी? जिस दिन इस फौजी को पता चला कि तुम्हारे पेट में उसके नहीं किसी और के बच्चे हैं तो? चुप रहो और चले जाओ यहाँ से। वो फौजी सख्त उसूलों का आदमी है, मैंने आज तक उसे किसी बात का पता नहीं चलने दिया है। मैंने आज भी गिरने का बहाना किया है। अब वो कैसी है मेजर? मैं देखता हूँ, नर्स जल्दी। मुबारक हो मेजर, तुम्हारे दो लड़के हुए हैं। डॉक्टर, मेरे मेजर, तुम एक सीधे साधे फौजी हो, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि पैदाइश वक्त पर हुई और वो बच्चे भी तुम्हारे नहीं। मेजर वो बहुत कमजोर है और बेहोश भी। डॉक्टर तुम्हें इन मासूम बच्चों की कसम, जब वो जलील औरत होश में आए तो उससे कहना कि उसके दो बेटे पैदा हुए थे और पैदा होते ही मर गए, और उससे ये भी कह देना कि जिंदगी में अगर फिर कभी मेरी तरफ रुख किया तो एक फौजी ये भूल जाएगा कि वो किसी नहत्थे की जान नहीं लेता।
भयानक रात कोई और होता तो उसी वक्त तो उसी हालत में तुम सबको घर से निकाल देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सोचा कि इस कर्मकांड में दो मासूम बच्चों का क्या दोष, दोष तो मेरा था कि बिना सोचे समझे जाने पहचाने शादी की जल्दबाजी की। तुम दोनों बच्चे उस वक्त मेरे सामने किसी पाप की निशानी नहीं, बल्कि भगवान की सबसे बड़ी देन इंसान के रूप में पड़े थे। मैंने तुम्हें अपनी झोली में समेट लिया और रातों रात अपना घर बार गांव सब कुछ छोड़कर सैकड़ों मील दूर इन पहाड़ों में आ बसा, ताकि तुम्हारी मां का साया भी तुम पर ना पड़ सके। तुम्हारी रगों में मेरा खून नहीं, फिर भी मैंने तुम्हें मां बाप दोनों का प्यार दिया, अपना नाम दिया, इज्जत दी। 25 साल अपने सीने में मुर्दा दिल छुपाए तुम लोगों को जिंदा दिल बनाता रहा, खुद गम सहता रहा और तुम दोनों को मुस्कुराते देता रहा। दिन रात मेहनत करके तुम लोगों के लिए जमीनें खरीदता रहा, जायदाद बनाता रहा, ताकि तुम लोग बड़े होकर फक्र से जिंदगी बसर कर सको। हाँ, एक गलती मुझसे जरूर हुई, केवल की बुजदिली दूर करते करते मैंने तुम्हें दूर कर दिया। इस दूरी का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब तुम अपना सब कुछ कुर्बान करके मुझे छोड़कर चले गए। याद है उस रात तुमने क्या कहा था? पापा, कुर्बानी लेने के बाद पछतावा। हाँ, पछतावा उस रात भी था और आज भी है। उस पर भी तुम मेरा गला पकड़ने आए हो, मुझसे फैसला करने आए हो। लगरुद्दीन, फैसला तो आज मैं करूंगा तुमसे और तुम्हारे इन पिल्लों से। ये देख। रेखा। हाँ रेखा, तुम्हारे खानदान की इज्जत, ये ले। बेटा, बेटा, एक बार भी बोले, इन रगों में आपका खून ना सही पापा, बेटा तो आपका हो ना? हाँ बेटा। वो जख्म तो मैंने बर्दाश्त कर लिए थे जब तुमने मेरे बाप को लूटकर कंगाल कर दिया था, और आज जब मैं हजारों मील दूर जाकर अपनी जिंदगी को खुशियों में बदल चुका था, वहां भी तेरे इस लौंडे ने आकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगा दो आग इसके घर को, जलाकर राख कर दो इसके खेत और खलिहानों को। आज मुझे और मत कहिएगा। खोल के ठाकुर नहीं। शाबाश फौजी के बेटे, अटैक। शाबाश, एक फौजी का बेटा चला है तंग के पहली बार।
कि मैं हर फैसला झट से करती हूं, आज भी मैंने एक फैसला किया है, इसे जरूर पूरा कर देना। सुलूक किया था उसके बदले अब उसे तेरी लाश ही मिलेगी। आ ऊपर आ और आखिरी बार अपने प्रेमी से मिल ले। जरूरत इन लाशों की नहीं जितनी मेरी और मेरी दौलत की है। तुम्हें लाशों के ढेर पर सिर्फ फांसी मिल सकती है और कुछ नहीं। फांसी सजा कानून, इन सब से मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा घनश्याम, तुम इन सबको छोड़ दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। नहीं चाहती, मर जाने दो तुम सबको, लेकिन अपने आप को शैतान के हवाले मत करो। घनश्याम तुम्हें मेरी जरूरत है, फिर तुम इनकी बातें क्यों सुनते हो? होश में आओ ज्योति। तुम तो जानते ही हो कि मैं जिंदगी के हर फैसले फौरन करती हूं। आओ घनश्याम। नहीं जाती। लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा? भरोसा? मैं तुमसे इसी वक्त शादी करने के लिए तैयार हूँ, इन सब के सामने। बुला पंडित। ऐसा नहीं बेटी, नहीं। हमारी जिंदगियों के लिए तुम अपनी जिंदगी को इस नक में नहीं डालोगी। अंकल हॉल्ट, ऐसा सिर्फ सिविल साइड में होता है, आर्मी में नहीं। अपनी फौजी बेटी को माफ कर देना अंकल। घनश्याम, इस तरह के ये लोग मेरा फैसला बदलने पर मजबूर कर दे, मुझे अपनी बाहों में ले लो। जय हिंद। अरे अरुण, केवल ये सब क्या है? एक फौजी बाप के फौजी बेटे पापा, मैं और केवल दोनों। तुम दोनों फौज में भर्ती हो गए? यस सर, देश के सिपाही बनकर। वेल डन माय सन्स, नो हॉल्टिंग फ्रॉम टुडे। हे केवल, कम हियर, कम हियर। पहली बार मेरे दिल में आ जा।
माने आई खुशियां बंदे, सही आज कई बरसों में पायल ठंडे।